पौराणिक इतिहास में जहां अमझेरा ग्राम का नाम कुंदनपुर ज्ञात होता है, तो भारत के इतिहास में अमझेरा का वर्णन सर्वप्रथम इब्न बतूता की कृति यानी कि 1324 में लिखी गई उस किताब में अमझेरा मिलता है, जिसमें सतियों के अग्नि प्रवेश का उल्लेख मिलता है। 1600 ईस्वी में जब मुगल शासन अपने चरम पर था, अमझेरा मांडव के अधीन आता था, और सन 1634 में शाहजहां ने जोधपुर के इसी राठौड़ राजवंश को अमझेरा राज्य पर राज करने के अधिकार सौंपे। 1728 में अमझेरा में जयरूप का शासन था, जब मराठा मालवा की ओर बढ़ रहे थे और नवंबर में मुगलों और पेशवा की सेना में युद्ध हुआ, जिसे अमझेरा के युद्ध के नाम से जाना जाता है, जिसमें मराठाओं ने मुगलों को खदेड़ दिया। समय बीतता गया और ब्रिटिश हुकूमत ने लगभग संपूर्ण भारत में पैर पसार लिए। 14 दिसंबर 1824 में महाराजा अजीत सिंह, जो वर्तमान अमझेरा के राजा थे, एवं माता महारानी भटियानी जी इंद्र कुंवर के घर पुत्र का जन्म हुआ, और मात्र 7 वर्ष की आयु में अजीत सिंह की मृत्यु के बाद 1831 में अमझेर राज्य की कमान भक्तावर सिंह को सौंप दी गई। भक्तावर सिंह जी की 7 रानियां और 2 पुत्र किशन सिंह जी एवं रघुनाथ सिंह जी थे। अमझेरा एक ऐसा राज्य था जिसके राजा अंग्रेजों की धन की मांग को ठुकराते रहते थे, क्योंकि उस समय राज्य ग्वालियर राज्य को भी धन देता था, और इसी के चलते जब 1857 की क्रांति की आग नीमच छावनी में भड़की, वैसे ही भक्तावर सिंह जी ने 3 जून 1857 में भोपावर छावनी पर आक्रमण कर उसे जीत लिया। बाद में उन्होंने मंडलेश्वर, सरदारपुर और मानपुर छावनियों पर भी आक्रमण कर अंग्रेज हुकूमत को भयभीत कर दिया। बाद में अंग्रेजों ने कूटनीति का सहारा लिया और अंग्रेज अधिकारी लेफ्टिनेंट हचिनसन के साथ मिलकर अमझेरा राज्य पर आक्रमण किया। तब मालवा के इस सपूत का आसपास के किसी भी राजा ने साथ नहीं दिया। तब भक्तावर सिंह जी अपने गुप्त किले लालगढ़ में चले गए, जो अभेद था। अमझेरा से लगभग 10 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में 400 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर निर्मित था, जो कि सैन्य प्रशिक्षण का केंद्र भी रहा था। इस किले को 17वीं शताब्दी में अमझेरा के ही राजा लाल सिंह ने निर्मित करवाया था। बताया जाता है कि इस किले में क्रांतिकारी वीर तात्या टोपे ने भक्तावर सिंह जी के साथ मिलकर धार राजगढ़ के क्रांतिकारियों को छापामार गोरिल्ला युद्ध कौशल का प्रशिक्षण भी दिया था। लालगढ़ में जाने के बाद अंग्रेजों ने राजा के विश्वसनीय गुलाब राय, वकील चिमनलाल, कामदार मोहनलाल को गिरफ्तार कर लिया और अपनी कूटनीतिक जाल में फंसाते हुए संधि के नाम पर भक्तावर सिंह जी को गिरफ्तार कर लिया गया। 22 जनवरी 1858 को इंदौर में अधिकारियों के समक्ष राजा को पेश किया गया और गुलाब राय, सलूक राय व भवानी सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई तथा वकील चिमनलाल को काला पानी की सजा सुनाई गई। उस समय भक्तावर सिंह जी को असीरगढ़ किले में जेल भेजने की सजा सुनाई गई थी, किंतु अंग्रेजों को खौफ था और उन्होंने गुप्त रूप से 10 फरवरी 1858 को MTH कंपाउंड इंदौर में नीम के वृक्ष पर प्रातः 9 बजे महाराजा को फांसी पर चढ़ा दिया और महाराजा भक्तावर सिंह जी मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च न्यौछावर करते हुए देश के लिए शहीद हो गए। बाद में अमझेरा राज्य को ग्वालियर राज्य को हस्तांतरित कर दिया गया और अमझेरा राज्य का पतन होता गया और अब वह एक छोटा कस्बा बनकर रह गया। यही पाओगे महशर में जुबा मेरी बयां मेरा, मैं बंदा हिंद वालों का हूँ है हिंदुस्तान मेरा, मैं हिंदी ठेठ हिंदी, खून हिंदी, जाति हिंदी, यह मजहब यही, फिरका यही है खानदान मेरा, मैं इस उजड़े वतन खंडहर का एक जर्रा हूँ, यही बस एक पता मेरा, यही नामो निशान मेरा, कदम में चूम लूं तेरे वतन ए उठते बैठते, कहाँ किस्मत मेरी ऐसी नसीबा यह कहाँ मेरा, तेरी खिदमत में ए हिंद ये सर जाए तो जाए, तेरी खिदमत में ए हिंद ये सर जाए तो जाए, मैं समझूंगा कि यह मरना हयाते जादवा में। जय हिंद।